हेलो यूट्यूब फैमिली, आपके लिए मैं लेके आया हूँ गिस्पारी न्यूट्रिशन के मायोफ्यूजन एडवांस प्रोटीन का रिव्यू। तो चलिए देखते हैं कि इस इंटरनेशनल ब्रांड का इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड ये प्रोडक्ट आपके लेने लायक है या नहीं। आज की डेट में ये प्रोडक्ट काफी सारी वेबसाइट्स पे आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा, मतलब इस प्रोडक्ट के इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं यानी ग्लोबल इम्पैक्ट्स, उनकी साइट पे भी अभी ये अवेलेबल नहीं है। हालांकि दूसरी वेबसाइट्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और कुछ लेसर नोन वेबसाइट्स पे आपको ये 299 रुपीज़ में 908 ग्राम यानी 2 LBS मिल जाएगा, जो कि इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। हालांकि जब मैंने इस प्रोडक्ट को लास्ट ईयर लिया था तो उस टाइम पे इसका रेट था 2700 रुपये फॉर 908 ग्राम्स 2 LBS, और उस रेट पे भी मेरे को ये महंगा लगा था। वही अगर पर सर्विंग की कॉस्ट की बात करूं तो इसमें आती हैं बस 24 सर्विंग, विच मींस आज के रेट के हिसाब से एक सर्विंग का प्राइस हो गया 125 रुपीस। वहीं पर ग्राम प्रोटीन की अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो हो जाती है 4.99 रुपीस, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है। प्राइसिंग की तरह इस प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी जस्ट अबाउट एवरेज है, और जो मेजर ड्रॉबैक मेरे को लगा वो है इसकी कंपोजिशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सिपेंट्स कंपनी ने यूज करे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने इसमें एक चीज़ डाली है जिसका नाम है क्रीमर, और ये क्रीमर में है माल्टोडेक्सट्रिन, सनफ्लावर ऑयल, सोडियम कैसिनेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स, नेचुरल टोकोफेरॉल्स। बाकी इन एडिशन टू माल्टोडेक्सट्रिन जो क्रीमर का पार्ट है, माल्टोडेक्सट्रिन कंपनी ने अलग से भी डाला हुआ है। बाकी एंटी केकिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, एसिडिटी रेगुलेटर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, इमल्सिफायर, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो आपको मिलते ही हैं। यही नहीं, अगर आप पर ग्राम प्रोटीन की परसेंटेज भी देखोगे तो इस प्रोडक्ट में आपको मिलता है सिर्फ 65% प्रोटीन, जबकि इसमें ब्लेंड यूज किया गया है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का, मिल प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, मिसेलर केसिन, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट एंड वे पेप्टाइड्स का, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, इसकी पर सर्विंग में कैलोरीज भी आपको 150 मिलती हैं, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा है। ऑल इन ऑल न्यूट्रिशन प्रोफाइल इस प्रोडक्ट का मेरे पर्सनल ओपिनियन में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। मैंने इस प्रोडक्ट के दो फ्लेवर्स ट्राई करे हैं, यानी मैंगो एंड वनीला आइसक्रीम, और दोनों ही प्रोडक्ट्स का जो ओवरऑल टेस्ट है वो जस्ट अबाउट एवरेज है, मतलब आप इजीली इसको पी सकते हो पर आपको मज़ा नहीं आएगा। और एक पिक्यूलियर चीज़ जो मैंने मैंगो फ्लेवर के साथ नोट करी, यानी मैंने एक सर्विंग को दूध में मिक्स करके रखा और फिर कुछ काम करने लगा, और जब मैंने इसको अराउंड 30 मिनट के बाद पिया तो दूध में कर्डलिंग सी हो गई थी, मतलब दूध फटाफटा सा हो गया था। एग्जैक्ट रीजन तो मेरे को नहीं पता कि ये क्यों हुआ, बट मे बी सिट्रिक एसिड की वजह से ये हुआ हो। कमिंग टू स्वीटनेस, तो वो एप्ट है, ना कम है ना ज़्यादा। बाकी जो प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज है वो थोड़ा फाइन है, मतलब कुछ ज़्यादा ही फाइन है और वे प्रोटीन जैसा नहीं लगता, लेकिन ये हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माल्टोडेक्सट्रिन एंड इतने सारे एक्सीपिएंट्स जो कंपनी ने इस प्रोडक्ट में डाले हैं। जहां तक इस प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी की बात है तो वो बढ़िया है, जैसा आप वीडियो में देख भी पा रहे होगे, और आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी आपको लम फ्री शेक तैयार मिल जाएगा। हालांकि दूध के साथ जो इसकी मिक्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। ये प्रोडक्ट को मैंने दो बार टेस्ट करवाया, और पहली बार जब मैंने टेस्ट करवाया था तो रिजल्ट्स आए थे प्रोटीन के 53.05% एज इज बेसिस पे, कार्ब था 40.12% और फैट था 1.62%, विच मींस प्रोडक्ट फैट को छोड़ के और किसी मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए पास नहीं हुआ। फिर जब कंपनी से बात हुई तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मैं फिर से लैब टेस्ट करवाऊँ, और इस बार महंगे वाले टेस्ट से मैं प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा हूँ, स्पेशली कार्ब्स के लिए, क्योंकि सस्ते वाले टेस्ट में लैब्स फैट और प्रोटीन कंटेंट निकाल के उनका सम करके 100 में से माइनस कर देते हैं, जिससे उन्हें कार्ब कंटेंट मिल जाता है, और ऐसा करने की वजह से कार्ब के रिजल्ट थोड़े बहुत इनएक्यूरेट आ जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अपने को किसी कंपनी से कोई पर्सनल ग्रजेस तो है नहीं, इसलिए मैंने दोबारा से टेस्ट करवाया, और जो लैब चुनी वो है यूरोफेंस।
और कंपनी ने जो टेस्टिंग का रीटेस्टिंग का खर्चा था वो कंपनी ने रीइंबर्स मेरे को किया। यूरोफिन्स की रिपोर्ट में प्रोटीन कंटेंट आया 69.78 जबकि कार्ब कंटेंट आया 22.55%, विच मींस के प्रोटीन कंटेंट के मामले में तो प्रोडक्ट बिल्कुल पास हो गया। हालांकि कार्ब कंटेंट इस रिपोर्ट में भी थोड़ा सा ज्यादा आया क्योंकि लेबल के अकॉर्डिंग 15.78% कार्ब कंटेंट है इस प्रोडक्ट में। नेवरदलेस टू कंक्लूड लैब टेस्ट में प्रोडक्ट पास है। बाकी मैंने अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग नहीं करवाई है प्रोडक्ट की, तो अमीनो एसिड स्पाइकिंग को रूल आउट कर पाना ऑन द बेसिस ऑफ माई टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। देखो यार, प्रोडक्ट को लैब टेस्ट में मैं पास मानता हूं और प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी भी अच्छी है, डाइजेस्टिबिलिटी में भी ऐसा कोई मेजर कंसर्न मेरे को नहीं लगा। वही प्रोडक्ट का ओवरऑल टेस्ट जस्ट अबाउट एवरेज है, जबकि न्यूट्रिशन प्रोफाइल मेरे पर्सनल ओपिनियन में किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्राइसिंग तो इसकी बहुत ही ज्यादा महंगी है कंसिडरिंग ये इंडिया में ही बनता है। बाकी इस प्रोडक्ट को जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है यानी हेलो न्यूट्रिशन, वो एक और वेल नोन ब्रांड के प्रोडक्ट्स बनाती है। कमेंट करके बताइएगा कि वो ब्रांड कौन सी है। सो टू कंक्लूड, प्रोडक्ट के जो भी प्रोज हैं कॉन्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं एंड आई नो मेरे व्यूअर्स स्मार्ट हैं एंड दे वुड डेफिनेटली मेक द राइट चॉइस। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।